अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगती होंगी और उससे फ़ायदा उठाते होंगे। आज मैं आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा। उस सॉफ्टवेयर से आप अपने प्लाट के साइज़ का पता लगा सकते हैं कि आपके प्लाट का क्या साइज़ है और कितने मरले है और कितनी सरसाई है। अगर आप अपने बाथ का हिसाब लगाना चाह रहे हैं कि बाथ में कितनी टाइल्स लगेगी, कितने फुट लगेंगे, उसका भी आप हिसाब लगा सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। बहुत आसान तरीकाकार है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप कोई प्लाट ख़रीदते हैं तो आप खुद इंची टेप से फुट का हिसाब लगाने के बाद आप एंड्रॉयड फ़ोन में कैलकुलेट कर सकते हैं और ख़ुद ही पता लगा सकते हैं कि आपका प्लाट कितने मरले है और कितने पॉइंट हैं इस प्लाट के। सिर्फ एक मिनट के अंदर आप मुकम्मल डिटेल हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर। ज़्यादा तो जो मिस्त्री राज वगैरह हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। उस सॉफ्टवेयर को मैं अभी आपको दिखा देता हूं और समझा भी दूंगा थोड़ा सा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें। मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी किस्म का नहीं मेरी वीडियो से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करना। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ पे आपने लिखना है प्लाट साइज। ये देखिए आपके सामने ये सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ये आपने लिखना है प्लाट साइज एंड बाथरूम टाइल कैलकुलेट। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली क्लिक करना है। अगर आप अपने बाथरूम का या अपने प्लाट का टाइल का हिसाब लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से लगा सकते हैं एक मिनट के अंदर। ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है आपके बाथ की चौड़ाई कितनी है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। मिसाल के तौर पर हमारे बाथ की चौड़ाई 5 फुट है और हमारे बाथ की लंबाई 7 फुट है और हमारे बाथ की ऊंचाई 8 फुट है और दरवाज़ा जो हमारे बाथ का दरवाज़ा होता है उसको हमने बीच से निकाल देना है और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो वाला हिस्सा निकालने के बाद आपको टाइल बता देगा कितनी टाइल लगेगी। हमारे दरवाजे की चौड़ाई 4 फुट और ऊंचाई 8 फुट। उसके बाद आपने ये नीचे वाला ऑप्शन दबा देना है कैलकुलेट। ये कैलकुलेट करके बता देगा कि इतने बाथ की चौड़ाई और लंबाई में कितनी टाइल लगेगी। ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है 23 मरबा मीटर टाइल की ज़रूरत पड़ेगी इस बाथ की चौड़ाई और लंबाई में। 23 मरबा मीटर टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मुकम्मल डिटेल है आपके सामने, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई देने के बाद आपको ये मुकम्मल डिटेल दे देगा। अब हम आपको आपके प्लाट के साइज़ के बारे में बताते हैं। ये आपके सामने ये वाला फोल्डर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो खाली प्लाट हो चाहे तमीरशुदा प्लाट हो, आपने वहाँ पे अपने प्लाट की जो आपने पमाइश की है वो पमाइश यहाँ पे देनी है। आपके प्लाट की बैक साइड कितनी है, मिसाल के तौर पर हम 20 फुट दे देते हैं और फ्रंट भी 20 फुट दे देते हैं और लेफ़्ट साइड हम 40 फुट दे देते हैं और राइट साइड 40 फुट दे देते हैं। ये बैक, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, ये वाले ऑप्शन इसलिए दिए होते हैं
कुछ प्लाट ऐसे होते हैं जिसका बैक 20 फुट होता है और फ्रंट 10 फुट या 15 फुट होता है, इसलिए ये दिया होता है। ये फुट के लिहाज से आपने यहाँ पे ऐड करने के बाद फाइंड साइज पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये आपका मुकम्मल डिटेल दे देगा कि आपका प्लाट कितने मरले हैं और कितनी सरसाई है। ये देखिए आपके सामने शो हो गया 2 मरले और 94 पॉइंट आपका प्लाट बनता है यहाँ से। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, जो ठेकेदार हैं या मिस्त्री हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपने प्लाट की मुकम्मल पुमाइश कर सकते हैं। किसी मिस्त्री राज को या किसी ठेकेदार को बुलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अपने प्लाट की पुमाइश कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, ये फेक सॉफ्टवेयर नहीं है और ना ही ये फेक पुमाइश देगा आपको। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।